अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको मैं थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ कुछ चीज़ों से। आओ चलते हैं। देखा कुतिया को देखा। अब मैं खाना लेके आया हूँ उसके लिए। देखूँ ये आज जो है ना बच्चे दी है, इधर एक कुतिया के लिए बहुत है। इधर दिखा दे ये खाना, इधर रोज खाना खिलाता हूँ मैं कुतियों को रोज डेली। इसके अंदर जो है ना गोश्त है, मीट है, इस थैली में 1 किलो तो बहुत है एक रात के लिए। पीछे जा तो इसको मैं खिला देता हूँ। तो आप भी अपने एरिया के डॉगों का ख्याल रखो। अरे मामा ये तो हो गया पूरी हो गई। ले ले खा, इसे मत दिखा, इसमें मीट है, इसे मत दिखा, इसको मत दिखा। ये देखा कुतिया को, कुतिया को ही दिखा रही है। ये मैं रोज खिलाता हूँ इसको, या फिर अपने एरिया के कुत्तों को। अब इसको रात में इसलिए खिला रहा हूँ कभी रात में इधर उधर ना जाए, ताकि ठंड से इसके बच्चे बचे रहें, मरे नहीं। इसमें 15 जर्दी और गोश्त सब चीज़ें हैं इसमें। और देखो बच्चे, आज ये बच्चे दी है, इससे मुझे ताकत मिलती है ऐसे काम करने से ही। कितने बच्चे हैं भाई? 1 2 3 7 बच्चे देती है हमेशा। और अब इसने खाना शुरू कर दिया है। फिर वहीं बैठ गई बच्चों में जाके। पता है मैं ऐसे काम इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे मुझे ताकत मिलती है। अल्लाह की मखलूक का जो ख्याल रखेगा उसका अल्लाह ख्याल रखता है और उसे अलग से ताकत देता है। ये मेरी आजमाऊ भी बात है, आप भी आजमाएं। मैं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा किया करें, अपने एरिया के जो कुत्ते हैं या फिर जानवर हैं या फिर जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखा करें। ये देखो कैसे इनको ठंड से बचा रही है, बिल्कुल वो कर रही है। इसका जो है बना वहाँ बना दिया है हमने उधर, लेकिन उसमें बैठने रही है। अभी यहीं पे करना पड़ेगा इसका इंतजाम। इससे मेरे को ताकत मिलती है, तुम लोगों को लगता हुआ। लेकिन देखो इससे सबसे बचा हुआ हूँ मैं, ताकि नमाज के कपड़े ख़राब ना हो। उसकी राल से जो है गंदी है राल, इससे बचना चाहिए। लेकिन इससे मत बचो, लोग इससे मारते हैं, ये करते हैं। नहीं मैं मारता नहीं, इनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चिपटाता नहीं हूँ। जिसम पर नहीं लगाता, कपड़ों पर नहीं लगाता, घर में एंट्री नहीं है इनकी। लेकिन मैं अल्लाह की मखलूक का बेहतरीन ख्याल रखता हूँ, तो मेरे को फ़ायदा मिलता है चीज़ से। चींटियों को खाना खिलाना, जैसे बादाम उदाम खा रहा हूँ तो उनको भी खिलाना, या फिर कोई और चीज़ खा रहा हूँ तो उनको खिलाना, या इनको खिलाना, या फिर और कोई मखलूक अल्लाह की तो उसको खिलाना, परिंदों को खिलाना, सबको खिलाना। और मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला पठान ऑफिशियल, अब्दुल्ला पठान ऑफिशियल 2 चैनल, इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल्ला पठान 0786 और अब्दुल्ला पठान ऑफिशियल 2 आईडी। मैं मोहल्ला कास्तान कस्बा कुंदर की जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। तो आप अगर किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो मेरे से दवाई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं दवाइयाँ देता हूँ। किसी को दांत जा रही है या नाइट फॉल या टाइमिंग बढ़ाना है तो ले सकता है दवाई, इंशाल्लाह दांत और नाइट फॉल तो ऐसे गए। रही टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग की दवाई जो है ना कोर्स है, कोर्स के बाद भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा, नो साइड इफेक्ट दवाई है। अगर मैं भी ना हूँ हेल्थ केयर सेंटर पर, एक लड़का बैठता है तो वो दवाई देता है, मैं ज़्यादातर नहीं बैठता हूँ। अब जैसे किसी को तगड़ा होना है तो उसकी भी दवाई, या किसी को पतला होना है, पेट घटाना है, या किसी के चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों की दवाइयाँ हैं। या किसी के मस्से निकल रहे हैं, पेट में प्रॉब्लम है,
या औरतों को लिकोरिया हो रहा है वगैरह वगैरह, लिकोरिया ऐसे गायब है इंशाल्लाह, कोई बीमारी नहीं। तो इन सब चीज़ों की बीमारियां मतलब इन सब चीज़ों की आसान दवाइयाँ और नो साइड इफेक्ट दवाइयाँ चाहिए तो आके संपर्क करें हमारे हेल्थ केयर सेंटर में। पूरा एड्रेस है पेट्रोल पंप के पास, रजर चौराया, कस्बा कुंदर की, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो ऐसे काम करते रहे। मैंने वीडियो जो बनाई है इसलिए बनाई है क्योंकि जानवरों का कोई नहीं होता है, ना इनकी खेती हो रही ना ये कमाते दमाते हैं, तो ये हम पे ही डिपेंड है। आजकल कोई रोटी नहीं देता इनको तो गलत करता है, पहले सब रोटी देते थे, इसीलिए आफते आ रही हैं। अल्लाह की मखलूक का जो ख्याल रखता है तो उसका अल्लाह बेहतरीन ख्याल रखता है, उसका फ़ायदा करता है हर तरीके से और उस पर रहम करता है, उसकी गलतियाँ माफ़ करता है अल्लाह। तो तुम भी अगर अपनी गलतियाँ माफ़ कराना चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखो, क्योंकि अल्लाह की मखलूक पर अगर तुम बेरहमी से पेश आओगे तो अल्लाह से रहम की उम्मीद मत रखना। जब तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे इनकी जानवरों पर, इंसानों पर, सब पे, तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा, तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करेगा। समझ गए मेरे यारो? तो बस इसी से मेरे को ताकत मिलती है। तुम लोग कहते हो ताकत कहाँ से आती है इतनी, तो मेरे भाई यहाँ से आती है मेरे पास ताकत। बस मैं ख्याल रखता हूँ, अगर मैं सो रहा हूँ बहुत गहरी नींद में और बारिश पड़ने लगी तो मैं बाहर के कुत्ते उत्तों का ध्यान रखूंगा यार, मैं ख्याल रखूंगा भाई वो सही है या नहीं है या वो कैसे है। ये नहीं कि मैं सोता रहूंगा, मेरी आदत है मेरे से रहा नहीं जाएगा। या जैसे पिल्ला गिर जाए, जैसे छोटे पिल्ले बड़े हो जाते हैं तो गिर जाते हैं नाली में गिरते हैं, तो मैं इनको उठाने जाता हूँ रात में भी, क्योंकि टैम टैम बर्दाश्त नहीं मेरे को, बाकी सब सोते रहते हैं, उनको मेरे को कोई दिक्कत नहीं उनसे। तो मैं देखता हूँ ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह नहीं सो सकता, अगर कोई दिक्कत में है तो मुझे नींद नहीं आएगी, ये मेरी आदत है, अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाए रखे। क्योंकि जिसके दिल में रहम है तो समझ लो अल्लाह की रहमत उस पर है, जिसके दिल में रहम है उसके दिल में ईमान है, और जिसके दिल से रहम खत्म हो गया समझ लो वो होशियार हो जाए अल्लाह की, मतलब अल्लाह उस पर कब अजाब नाजिल कर दे कुछ पता नहीं। जिसके दिल में रहम नहीं है उस पर अल्लाह की रहमत नहीं है, ठीक है मेरे यारों? तो ऐसे ही वो पांच टाइम की नमाज पढ़ो, अच्छे अच्छे काम करो, गलत काम मत करो। ये दुनिया और ये जिंदगी एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। जब मुर्दा मर जाता है तो बहुत तड़पता है, वो ऐसा तड़पता है कि मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह एक बार भेज दे दुनिया में, मैं बहुत अच्छे काम करूँगा, सजदे में पड़ा रहूँगा, तो वो नहीं भेजेगा फिर। तो एक ही बार मिली है दुनिया, ये जिंदगी, इसको बेहतर बनाओ, अच्छे बनो, नेक बनो, बढ़िया बनो, और गलत रास्ता मत इख्तियार करो। पैसा इतना ही मिलेगा चाहे गलत रास्ते से लो या सही रास्ते से, ये गारंटी है मेरी। तो मैं सही रास्ते से लूंगा ना इंशाल्लाह, फेमस इतने ही हो गए चाहे गलत रास्ते से हो जाओ या अच्छे रास्ते से, मैं इंशाल्लाह अच्छे रास्ते से फेमस हूँ। मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना वो जायज है, मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था, क्योंकि मैं जो है ताकत पे वीडियो बनाता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ, फिटनेस के प्रति जागरूक करता हूँ, लोगों को बताता हूँ ये खाओ वो मत खाओ, ये खाओ ये नहीं खाओ, तो गलत चीज़ों से बचाता हूँ लोगों को, गलत रास्ते से बचाता हूँ। मेरी वीडियो देख के लोग बहुत फिटनेस की तरफ आते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं लोग, अच्छाई की तरफ आते हैं, और जब तक फिटनेस अच्छी नहीं तो जब तक कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि जब तक आप ताकतवर नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, तो इस्लाम के खातिर तुम कुछ नहीं कर सकते और ना ही अल्लाह के सामने खड़े हो सकते, यानी कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब ताकत नहीं, स्वास्थ्य नहीं, तो नमाज कैसे अदा करोगे, सही तरीके से अदा नहीं कर सकते ना। नमाज तो हमेशा पांचों वक्त की और हर समय चाहे किसी भी हालत में हो तुम, माफ नहीं है, हमेशा पढ़नी चाहिए, यानी कि टांग टूट गई या किसी भी हालत में माफ नहीं है, चाहे तुम कुछ भी हो गए, कितने भी कमजोर हो गए, लेकिन मजा जब आता है जब जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है लोगों को, वही है। कुछ लोग जवानी में बुढ़े हो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने आपको, मैं खुल के नहीं बता रहा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा खुल के बताना। चलो मैं पूछूंगा एक वीडियो में कि खुल के बताएं क्या नहीं बताएं आपको, आपके लड़कों के बारे में, मतलब लड़कों के बारे में कि वो कैसे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को पता है मैं हकीम हूँ ना, तो मेरे पास आते हैं मेरे पास, तो मैं मेरे को सब हाल बताते हैं, मैं तो सूरत देख के बता देता हूँ अल्लाह के करम से कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या खा रहा है, कितना सो रहा है, कितना पी रहा है, सब कुछ ए टू जेड उसकी शक्ल बता देती है। तो आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखें,
और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जानवरों का ख्याल रखें, क्योंकि जितना तुम खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा माल। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। लो एक पॉइंट देख लो फिर। ये और ये, अच्छा है ना? बस अच्छे रास्ते से बनाना बॉडी, गलत चीजें ना खा के बनाना, स्टेरॉइड मत खाना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी और बॉडी भी बनेगी नहीं। तो बॉडी बनाना तो सही रास्ते से, समझ गए मेरे यार? ठीक, खुदा हाफिज़।